तो यहाँ पर देखिए जो लोहे की हमारी चौखट थी डबल बादाम वाली, उसके अंदर हमने छेद किया हुआ है और बाहर प्रॉपर जो उसके छल्ले आते हैं उससे लगाया ताकि उससे थोड़ा सा फिनिशिंग वगैरह आ जाए। ऊपर देखिए यहाँ भी किया है, उसमें छल्ला लगेगा अभी। तो बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि डबल बादाम की अलग अलग छेद कैसा होगा, इसमें ड्रिल के द्वारा छेद होता है। देखिए ड्रिल मशीन आ रखी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और देन आपका सिल्ली से छेद किया जाता है और इसके बाहर एक कवर आता है, क्योंकि ड्रिल मशीन से उतना छेद नहीं होता, उस कवर से कवर अप हो जाता है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर जो वेल्डिंग वाले कारीगर आए हैं वो कर रहे हैं, पहले ड्रिल मशीन से छेद किया, उसके बाद सुई से छेद किया, क्योंकि ड्रिल मशीन इतनी मोटी जा नहीं पाती अंदर। तो ये दिखाया मैंने कि किस तरीके से लगाया, आगे भी अपडेट्स देते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।